जो डेकोरेशन चल रहा है कोई शादी विवाह पार्टी की नहीं है, बल्कि ये डेकोरेशन जो दिख रहा है वो है हम लोगों का सोने के लिए डेकोरेशन। खास करके ये डेकोरेशन डिजाइन कर रहा है। ये देखिए हमारा क्योंकि थोड़ा नेट तो शॉर्ट हो गया कि बहुत सारे आदमी लोग आए हुए हैं, मेहमान भी है इधर काफ़ी सारे, तो हम लोग ने ऐसे सोने के लिए डिसाइड किया। और देख रहे हैं जैसे कि इधर पानी की पूरे बोतल भरे हुए हैं, उस साइड में बर्तन सर्तन, रात को चोरी भी ना करें, सिक्योरिटी भी वही बहाने हो जाए, तो देख लेते हैं सो पाएंगे या नहीं। तो हुआ है, कुछ हो गया है, बहुत सारा काम हो चुका है अभी। बाकी है बहुत सारा। इधर हम लोग चार आदमी सोने वाले हैं, इसमें ठूस ठूस के वो भी सोओगे ना साथ में, डरोगे नहीं? ये इसका भी दिखा, भाई ये मेहमान है। हाँ भाई रेडी, छोटा छोटा का मतलब यहाँ हो गया। क्या बात है, इनका डेकोरेशन नहीं हुआ, इधर से मच्छर थोड़ा घुसेगा तो चलेगा, फिर भी उतावले तक आज का दिन कुछ खास ही रहने वाला है, क्योंकि हर जगह तो फील ही है ना मेहमान से। इस साइड में भी सो सकना था लेकिन नेट का शॉर्टेज है, तो इधर ही सो लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे भी आज का दिन स्पेशल हो ही जाए, वही बहाने। हे प्रभु, हे मच्छर जी, आज अपना समझ के हम लोग को छोड़ देना, दुआएं तुमको, कल दिन भर जी तो काट लेना बस। गुड नाइट गाइस। फ्यू मोमेंट्स लेटर, टाइम पार हो ही नहीं रहा। कैसा लग रहा है, आपने जो डेकोरेशन किया, ये डिजाइन आपको ख्याल कैसे आया कि ऐसा चीज बन सकता है? हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। उतार शुद्ध मोहट नहीं चलो। आपको कैसे ख्याल कैसे आया, मतलब ये चीज बनेगा कभी, ये पॉसिबल है ये डिजाइन डेकोरेशन करना? नहीं रुक, कहां से आते हैं? टॉर्च आ गया, रात के लिए इंतजाम, चोरी आएगा, चोरी हो सकता है। ओके देन, गुड नाइट, टाइम पास नहीं होगा लेकिन फिर भी हम आपको बीच बीच में जगाते रहेंगे, जगते रहिए हम लोगों के साथ। गुड नाइट गाइस।